नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्नेही छात्राओं, मैं मेरे यूट्यूब चैनल कुमार संतोष शर्मा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेही छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है कि दिगंत प्रकरण चल रहा है, इसके अंतर्गत कुछ लकारों के प्रमुख सूत्रों की भी आप जानकारी ले चुके हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। आज पुनः फिर हाजिर है हम एक नवीन लकार के कुछ प्रमुख सूत्रों को लेकर, जिसके कुछ सूत्र हम आपको विगत वीडियो में भी बता चुके हैं, उनके बारे में परिचर्चा कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में आपसे परिचर्चा करेंगे लोट लकार के प्रमुख सूत्रों के संदर्भ में, और लोट लकार के रूप भी हम आपको बताने वाले हैं कि लोट लकार में आपको कौन कौन से रूप है वो पढ़ने हैं। तो बिना किसी व्यवधान के करते हैं हम आज के इस वीडियो का शुभारंभ मेरे सूत्र के साथ, कि लोट लकार मेरी सूत्र है, मेरी सूत्र लिखा हुआ है मेरी। ये क्या कहता है, लोट लकार में नी के स्थान पर नी आदेश होता है, यानी लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में आपका जो मित्र प्रत्यय का मी से रहता है उसके स्थान पर नी आदेश, और ये आदेश जो होता है वो संपूर्ण मी के स्थान पर होगा तो इस रूप बन जाएगा आपका भवानी। भवानी जो रूप बनता है, यानी कि मी के स्थान पर मी कैसे आया, मेघनी सूत्र के माध्यम से, ये आपको याद रखना है। अब दूसरा सूत्र है आपका आर्यतमस्य पिच। आर्यतमस्य सूत्र क्या कहता है, लोट लकार के उत्तम पुरुष में आठ का आगम होता है, उत्तम पुरुष में ही करना है आपको ये सिर्फ, बाकी कहीं नहीं। लोट लकार के उत्तम पुरुष में आठ का आगम होता है, आठ का आशेष रहता है, और ये धातु के उपरांत क्या होगा, आदेश होगा, इस बात को भी आपको याद रखना है। आर्यतमस्य पिच जैसे धातु है आपकी और मेटो प्रत्यय है कर्त्री सबसे, तो आया तो यहां पर आठ का आगम होगा आर्यतमस्य पिच सूत्र से, केवल उत्तम पुरुष में करना है, ये आठ का जो आगम होगा केवल और केवल उत्तम पुरुष में होगा। नित्यम गित आगम सूत्र है, नित्यम गित क्या सूत्र क्या कहता है, लोट लकार को हम क्या मान लेते हैं, लंग लकार के समान मान लेते हैं, यानी लोट लकार टित होते हुए भी गित मान लिया जाता है। टित और गित की बीमारी क्या है, हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, टित और गित यानी लकार आपके दस जो लकार होते हैं प्रारंभ के छह लकार टित होते हैं, अंतिम चार होते हैं वो गित होते हैं, जिसमें टे वर्ण की संज्ञा होती है उसे गित बोलते हैं, और जिसमें गे वर्ण की संज्ञा होती है उसे गित बोलते हैं। तो लोट लकार को टित होते हुए भी गित मान लिया जाता है, लोट लकार को टित होते हुए भी गित मान लिया जाता है। तो ये हुआ आपका नित्यम गित सूत्र। और आगे क्या कहता है कि लोटो लगवत सूत्र की सहायता से नित्यम गित लोट लकार में प्रयुक्त होता है, लोटो लगवत व नित्यम गित सूत्र की सहायता से अंतिम सकार का भी लोप होता है, इसलिए यहाँ पर भवा में और भवा में जो रूप बनेंगे उनमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। एक सूत्र और पढ़ लीजिए, तुयो तातंग शिष्यानंतरश्याम, तुयो तातंग शिष्यानंतरश्याम, ये सूत्र क्या कहता है आपका, आशीर्वाद अर्थ की वाचकता में, आशीर्वाद अर्थ की वाचकता में तू और ही को तातंग आदेश होता है विकल्प से, जिसका तात्शेष रहता है। आशीर्वाद अगर अर्थ है तो क्या करेंगे, तू और ही को, यानी कि प्रथम पुरुष में और मध्यम पुरुष में एक वचन में तू और ही होता है ना, उसके स्तर पर आपको क्या करना है, तातंग आदेश करना है। तातंग का क्या रहता है, तात शेष रहता है, इसलिए इसके रूप बनते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में भवतात्, भवतु और भवतात् दो रूप बनते हैं। तो ये दोनों रूप आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, ये रूप लोट लकार के रूप जो रूप है हम आपको लिखा रहे इस तरह से, आपको भवतु भवता भवता भवंतु भव भवता भवतम भव भवानी भवा भवा, ये लोट लकार के रूप है जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। क्लियर है, आज की वीडियो में इतनी जानकारी, नेक्स्ट डे मिलते हैं कुछ नवीन सूत्रों के साथ, तब तक के लिए मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूँ विदा, और तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अध्ययन में किसी भी प्रकार का प्रमाद या आलस्य ना करें, क्योंकि वेदों की उक्ति है
अर्थसे कुतो विद्या ए विद्यस्य कुतो धनम ए धनस्य कुतो मित्रम ए मित्रस्य कुते सुखम। तो स्वाध्याय महाप्रवण, स्वाध्याय से हमें जीवन में कभी प्रमाण व्यास नहीं करना चाहिए इसी आकाश आकांक्षा या कामना के साथ। मैं कुमार संतोष आज की क्लास में आपसे लेता हूं विदा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम और आप परिचर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे किसका, ये लोट लगा की जो प्रमुख सिद्धियां हैं उनके बारे में, भक्त और भक्तार्थ की सिद्धि कैसे होगी। ये मोस्ट एग्जाम में आती जाती रहती है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से मनोयोग पूर्वक अगर क्या करेंगे, अध्ययन करोगे, इसका पठन करोगे, तो हमें लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आने वाली नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुमार संतोष आज की क्लास में आपसे लेता हूं विदा। जय श्री कृष्ण, मिलते हैं नेक्स्ट डे। और मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि मकर संक्रांति का पर्व आपके जीवन में नवीन खुशी, नवीन आनंद, नवीन जोश उत्साह भर दे, जिससे आप अपने घर में आपका जो लक्ष्य है उसकी ओर प्रयास करने में समर्थ हो। जय श्री कृष्ण।